इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4vy। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कर्व दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये दिया है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये आ गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी जो सेकेंड कर्व दिया था हमें, 4 इंटू बी वाई, तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर 4 64a स्क्वायर बी वाई। तो यहाँ से आ गया वाई की पावर 4 माइनस 64a स्क्वायर बी वाई इक्वल टू 0। अब वाई कॉमन ले लिया, तो वाई को माइनस 64a स्क्वायर बी, यहाँ से वाई 0 आ गया, वाई इतना आ गया, वाई 4 a की पावर 2.3 बी की पावर 1.3। जब वाई 0 है तो एक्स 0 हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा जो एक हमें 0.0 ओरिजिन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब वाई इक्वल टू है 4a की पावर 2.3 बी की पावर 1.3, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कर्व जो दिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4vy उसमें रखा हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b, वाई की वैल्यू ही रख दी 4a की पावर 2.3 बी की पावर 1.3। यहाँ से सॉल्व किया इसको, ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16a की पावर 2.3 इंटू बी की पावर 4.3। दोनों तरफ वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो एक्स इक्वल टू आ गया 4a की पावर 1.3 बी की पावर 2.3। तो पॉइंट में मिल गया 4a की पावर 1.3 इंटू बी की पावर 2.3 कॉमा 4a की पावर 2.3 बी पावर 1.3। तो हमें सेकेंड पॉइंट भी मिल गया, तो हमें कर्व हमने बना लिया। पहला पैराबोला था, पहला पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पहला पैराबोला, सेकेंड पैराबोला था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। पैराबोला चार प्रकार के होते हैं, इधर बनता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इधर बनेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस हमें ये एरिया निकालना है इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व, दोनों कर्व के बीच का एरिया। तो क्या करें, हम लोग ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा ले लें एरिया, इसमें से ये एरिया घटा दें इतना, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मिल गया यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ओरिजिन, तो लिमिट में पता चल गई 0 to 4a की पावर 1.3 बी की पावर 2.3। तो हम लोग क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओ पी ए एल, ओ पी ए एल क्या है, ओ पी ए एल पूरा एरिया माइनस एरिया ओ क्यू पी ओ क्यू ए एल, ओ क्यू ए एल ये एरिया हम लोग घटा दें तो हमें इस ई वाला एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग लगाया 0 to 4a की पावर 1.3 बी की पावर 2.3 वाई डी एक्स माइनस 0 to 4a की पावर 1.3 बी की पावर 2.3 इंटू वाई डी, ये फर्स्ट कर्व है, सेकंड कर्व, तो फर्स्ट कर्व वाला वैल्यू रखेंगे वाई की, तो वाई की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4x, यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। यहाँ पे जब वैल्यू रखी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√a बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, एक्स का एक्स पावर 1/2 का हो जाएगा एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 होल पावर, लिमिट लगाएंगे 0 to 4a की पावर 1/3 बी पावर 2/3 माइनस 1/4b बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन 3 इंटीग्रल हो गया 0 to 4a की पावर 1/3 बी पावर 2/3 लिमिट लगा दी, लिमिट लगा के ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रख के पूरा आ गया, ये 32ab/3 ये माइनस 16/3ab, तो क्या आ जाएगा 16/3ab, तो एरिया हमें दोनों कर्मों के बीच का मिल गया 16ab/3। अब हम लोग देखेंगे द एरिया ऑफ कर्व गिवन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हम लोग जानते हैं कार्टेशियन क्या होता है वाई डी एक्स, बट यहाँ पे क्या करना है, डी एक्स को डी टी में चेंज कर लेना, डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी कर लें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। अगर एरिया ये फॉर्मूला अगर दिया हो एक्स डी वाई, तो इसको क्या करना है, एक्स डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी, तो ये तो पैरामेट्रिक में हो गया। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म में एरिया कैसे निकालना है, तो एरिया ऑफ कर्व गिवन बाय पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन में एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ए इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इंटीग्रल लिमिट अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अब हमें इसकी लिमिट तो पता नहीं, तो क्या करेंगे, एफ थीटा इसको जीरो कर देंगे लिमिट निकालने के लिए,
कर्व हमें दिया है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, तो हम लोग इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब थीटा जीरो कर देंगे, तो यहाँ से कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से टू थीटा पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, तो हमें थीटा की लिमिट मिल गई पाई बाई फोर, यानी कि ये हमने कोऑर्डिनेट बना लिया थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ये जो रेखा होगी थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, ये रेखा जो होगी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, तो यहाँ से एक लेमन स्केट बन गया, ये लेमन स्केट, इसका अब हमें एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल दें, उसका चार गुना कर दें एरिया, तो लिमिट क्या हो जाएगी जीरो टू ए, बट हमें क्या करना पोलर में लगाना है, तो लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर, तो एरिया क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, फोर इंटू एरिया अपर हाफ ऑफ द लूप, तो अपर जो हाफ लूप है उसका एरिया का चार गुना कर दें, तो आर फोर इंटू जीरो टू पाई बाई फोर, वन पॉइंट टू आर स्क्वायर डी थीटा, वन पॉइंट टू बार आ गया, ये टू टू कट गया टू आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बार आ गया तो टू ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई फोर कॉस टू थीटा डी थीटा, अब हम लोग क्या किया टू थीटा इक्वल टू फाइव मान लिया, तो यहाँ से टू डी थीटा इक्वल टू डी फाइव हो गया, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो टू ए स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू पाई बाई फोर पाई बाई टू, क्योंकि लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब टू थीटा थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर रखेंगे क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, तो कॉस फाई डी फाई, ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व किया इसको तो ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू कॉस फाई डी फाई, अब कॉस फाई का इंटीग्रल, अब कॉस फाई का इंटीग्रल क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस फाई का इंटीग्रल साइन फाई जीरो टू पाई बाई टू, लिमिट लगा दी ए स्क्वायर साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए स्क्वायर साइन पाई बाई टू वैल्यू वन माइनस जीरो, तो एरिया हमारा निकल आया ए स्क्वायर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।